गुड मॉर्निंग फ्रेंड बेटा, आज हम पढ़ाएंगे संस्कृत में चैप्टर 6 समोटक। पहले हम आपको इसके वर्ड मीनिंग्स का अनुवाद पढ़ा चुके हैं, आज उसी क्वेश्चन आंसर देखेंगे बेटा। तो देखिए बेटा, आप लोग पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें उच्चारण स्थान करना है, यानी कुछ वर्ड दिए हुए उसे बोलना है। तरंगे, मत्स्य जीवी यानी मछुआरे, विदेशी पर्यटक के बे यानी विदेशी पर्यटकों के लिए, संगम मिलन, त्रिशु तीनों में, विदेशी व्यापार है विदेशी व्यापार, प्रायद्वीप, बंगोपसागर और चंद्रोदय। क्वेश्चन नंबर 2 में पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। जना कावि जल विहार करती, लोग किसमें जल विहार करते, लोग किसके द्वारा मतलब कि किसके बैठकर जल विहार करते हैं, यानी कि समुद्र में घूमते नौका पर बैठकर। तो जना नौका भी जल विहारम कुवर्ती, जना नौका भी जल विहारम कुवर्ती। भारत से दीर्घतम समुद्र तट क्या है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट क्या है? भारत से दीर्घतम समुद्र तट है मेरीना तट। सस्ती क्या है? मेरीना तट। जना पुत्र सवेरम विहरंती, लोग कहाँ पर स्वतंत्र रूप से घूमते? जना मुंबई नगर से जुहू तटे, जो लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर स्वतंत्र होकर घूमते, स्वतंत्र रूप से घूमते। तो कहाँ पर घूमते? मुंबई नगर से जुहू तटे। बालका बालिका बालुका भी की मचंती, जो बच्चे हैं वो रेत से क्या बनाते? रेत का घर, मिट्टी का घर। तो बालका बालुका भी बालुका ग्रह मचंती, यानी कि बालक रेत से मिट्टी का घर बनाते हैं। तो मिट्टी घर के लिए आए बालुका ग्रह। कोची तट जो किस लिए जाना जाता है? नारियल फल के लिए। तो कोची तट नारी फल नारी के फले पे गए थे, कोची तट नारी के फले पे गए थे, जो कोची तट है नारियल फल के लिए जाना जाता है। उन्हें देखिए कि जना काबी जल विहार करती, लोग इसमें जल विहार करते नौका से, जना नौका भी जल विहार को बनती। सेकेंड है भारत से दीर्घतम समुद्र तट है, भारत के सबसे बड़ा समुद्र तट क्या है? भारत से दीर्घतम समुद्र तट है मेरीना तट, क्या नाम है? मेरीना तट है। जना पुत्र सुमेरम कुरंती, लोग कहाँ पर स्वतंत्र रूप से घूमते? लोग जुहू तट पर। तो लोग जना मुंबई नगर से जुहू तटे, जना मुंबई नगर से जुहू तटे स्वयं विहरती। बालका बालुका भी किम रचंती, बालक है रेत से क्या बनाते? मिट्टी का घर। बालका बालुका भी बालुका ग्रह रचंती, बालक रेत से मिट्टी का घर बनाते हैं। कोची तटे केपे गए थे, कोची तट जो किस लिए जाना जाता है? कोची तटे नारी नारी के फले पे, नारी के फले को नारियल के फलों के लिए गए थे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तट पर त्रिनाम तीनों सागरों का संगम होता है, तो इसका आएगा संगम। क्या है बेटा? संगम। भारत देश क्या कहलाता है हमारा? भारत देश हमारा प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। जना समुद्र तटे आगचंती, लोग समुद्र किनारे पर आते घूमने के लिए, तो क्या आएगा? पर्यटन है। क्या होगा? पर्यटन है। बाले पे रोचते, बच्चों को पसंद है खेलना क्रीड़ा। भारत के पूर्व दिशा में है बंगसागर, ठीक है ना। तो देखिए पहले में आएगा कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का क्या होता है? संगम होता है, मिलन होता है, उसके लिए आएगा संगम है। भारत देश कहलाता है प्रायद्वीप, क्यों कहलाता है? कि भारत देश तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो प्रायद्वीप। लोग समुद्र पर जाते हैं घूमने के लिए, तो पर्यटन है। बालक को अच्छा लगता है खेलना, तो क्रीड़ा। भारत के पूर्व में है बंगसागर, तो बंगोपसागर। क्वेश्चन नंबर 4 है खंड है, खंड कैसे मिलाना है? समुद्र तट किस लिए होता है? पर्यटक घूमने के लिए होता है। क्रीडंगम मतलब खिलौने किस लिए होते? खेलने के लिए होते, खेलना है। दुग्धम दूध किस लिए होता है? पोषण के लिए होता है, पोषना है।
दीपक किस लिए होता है? प्रकाश है, प्रकाश के लिए होता है। और विद्या किस लिए होती है? ज्ञान के लिए, ज्ञान है। ठीक है बेटा, समुद्र किस लिए होता है? पर्यटना है, क्रीडंकम खेलना है, दुग्धम पोषणा है, दीपक प्रकाशा है, विद्या उज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इनमें जो कोष्टक में दिए वर्ड है तृतीय विभक्ति लगानी है। बाल कहा तो बालिका, तो बालका दे दिया, बालिका भी क्या है इसमें? बालिका भी, तो बालका बालिका भी सह पठंती, तो आंसर में आएगा बालिका भी। क्या आएगा आंसर में? बालिका भी। तड़ाक है विभाति, तो इसमें तृतीय विभक्ति कमलेन, क्या आएगा? कमलेन। क्या आएगा बेटा? कमलेन। अहम खेलामी कंदुकेन, क्या आएगा बेटा इसमें? कंदुकेन। अश्वा अश्वेहे, अश्वा अश्वेहे। मृगा मृगेन, मृगा मृगे। ठीक है ना, तो पहले में लिखना बालिका भी, सेकंड में आएगा तड़ागे कमलेन, थर्ड में आएगा कंदुकेन, अहम अपनी कंदुकेन खेलामी, फोर्थ में आएगा अश्वा से धावती, तो अश्वे है, और सिक्स में फिफ्थ में आएगा मृगा मृगे है। क्वेश्चन नंबर 7 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, दो वर्ड दिए उसमें एक सही वर्ड छाटना है। धनी के धनम धराती, जब किसी कोई चीज दान करते चतुर्थी का प्रयोग करते तो निर्धनाय, क्या आएगा इसमें? निर्धनाय। धनी के निर्धनाय धनम धराती। बाले विद्यालय गच्छति पठनाय, बाले विद्यालय गच्छति पठनाय, बालक पढ़ने के लिए आते हैं तो पठनाय। सज्जना जीवंती सज्जन जीते, परोपकार के लिए परोपकाराय, क्या आएगा बेटा? परोपकाराय। प्रधानाचार्य पारितोषिक यच्छन्ति छात्रेभ्य, क्या आएगा? छात्रेभ्य। नमे शिक्षकाय, नमे शिक्षकाय, तो धनी वाले पहले में आएगा, धनी के निर्धनाय धनम ददाति, धनी के निर्धनाय धनम ददाति। बाले पठनाय विद्यालय गच्छति, सज्जना परोपकाराय जीवन्ति, प्रधानाचार्य छात्रे पे पारितोषी गच्छति, और नमे में शिक्षकाय। तुम्हारा चैप्टर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो बेटा, आपको इसके क्वेश्चन आंसर फिर कुप में करने और लर्न भी करने, आप लोग इसे लिख लीजिए बराबर। थैंक यू, लिखिए बेटा सबने, इसे लिख लीजिए।